स्टार्टिंग रेंज है वो आपको मिल जाएगी अप्रोक्सीमेटली 13 to 14 thousand से। आपको एचपी, डेल, लिनोवो की थिंकपैड सीरीज, आपको सब लैपटॉप मिलेंगे, 360 लैपटॉप, कन्वर्टेबल लैपटॉप। हम अडॉप्टर आपको न्यू प्रोवाइड करते हैं। Okay. जैसे कि अडॉप्टर कहीं, जैसे कि सेकंड हैंड के साथ कई बार क्या होता है कि उसका अपना साथ का ही अडॉप्टर आता है, तो वो कई बार क्या होता है विदिन 3 to 4 months में ही वो खराब हो जाता है। तो इससे अच्छा कि हम कस्टमर को पहले ही कस्टमर को न्यू अडॉप्टर प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि उनके 1.5-2 साल इजिली उनके निकल जाता है, उन्हें कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अगर फाइनेंस भी होता है ये बता दो सर। जब सेकंड हैंड वैक्स तो ये कैश पे होता है, बट अगर किसी के पास क्रेडिट कार्ड है, देखो यूज कर रहा है, या डेबिट कार्ड की लिमिट है, जैसे कई बार क्या करती है कि अपने बैंक एलिजिबिलिटी रखते हैं डेबिट कार्ड पे, हम उस पे फाइनेंस करवा देते हैं प्रोवाइड। तो फ्रेंड्स, मैं आया हूँ आज, आप चेक करो एड्रेस, नाइस प्रोवाइड। तो यहाँ पे रिफर्बिश्ड लैपटॉप्स मिल जाएंगे, और यहाँ पे भैया का ऊपर नंबर फ्लैश हो रहा है। तो अंदर चलते गाइस, तो अंदर जाते ही इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा लैपटॉप्स। तो ये देखिए गाइस, तो यहाँ पे आप सबको इम्पोर्टेड लैपटॉप्स देखने को मिल जाएंगे। ये है इम्पोर्टेड लैपटॉप्स, 360 आपको लैपटॉप्स देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ नए लैपटॉप्स भी लगे हैं यहाँ पे, आप चेक करो, ये देखो। ठीक है, एसेसरी भी मिल जाएगी आपको, अगर किसी को कुछ भी चाहिए होगा। बोर्ड के ओरिजिनल आपको एयरफोन्स मिल जाएंगे, तो हर टाइप के आपको एसेसरीज मिल जाएगी यहाँ पे, आपको मेमोरी कार्ड्स भी मिल जाएगा। ठीक है, मेन टॉपिक है गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इनके प्राइस पूछते हैं भैया, और डिटेल में पूरा पूछेंगे कि क्या प्राइस रहेगा, अगर फाइनेंस है तो फाइनेंस भी आप सबके लिए है या नहीं है। सो गाइस, ये है सनी भैया। तो सनी भैया यहाँ पे जितने भी प्री ऑन लैपटॉप्स और न्यू लैपटॉप्स देखते हैं, तो सनी भैया से डिटेल पूछते हैं। तो सनी भैया, आज स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं हम? सर, जो हमारे पास लैपटॉप्स हैं वो आपको सेकंड हैंड में भी मिल जाएंगे, उससे हम इम्पोर्ट्स के लैपटॉप्स भी बोल सकते हैं, रिफर्बिश्ड लैपटॉप्स भी कह सकते हैं जी। प्लस हमारे पास न्यू लैपटॉप्स की रेंज भी है, हमारे पास बहुत, मतलब कि आपके सेकंड हैंड भी मिल जाएगी और आपको न्यू लैपटॉप्स भी मिल जाएंगे। तो भैया, स्टार्ट क्या रहता है ऐसे लैपटॉप्स का? हमारी स्टार्टिंग रेंज है वो आपको मिल जाएगी अप्रोक्सीमेटली 13 to 14 thousand से। ओके, बट अगर आप अच्छी कंडीशन में चाहते हो तो आपको, और मैं आपको जैसे यहाँ पे मैं आपको वैराइटीज दिखा सकता हूँ, जैसे मेरे पास आपको एचपी, डेल, लिनोवो की थिंकपैड सीरीज, आपको सब लैपटॉप मिलेंगे, 360 लैपटॉप्स, कन्वर्टेबल लैपटॉप्स। ठीक है, तो भैया स्टार्टिंग रेंज बता दो आप जो है। मेरी स्टार्टिंग रेंज है वो आपको 14 to 15 thousand एक बहुत अच्छा लैपटॉप मिल जाएगा, उसके साथ क्या हम अडॉप्टर आपको न्यू प्रोवाइड करते हैं। ओके, जैसे कि अडॉप्टर कहीं, जैसे कि सेकंड हैंड के साथ कई बार क्या होता है कि उसका अपना साथ का ही अडॉप्टर आता है, तो वो कई बार क्या होता है विदिन 3 to 4 months में ही वो खराब हो जाता है। तो इससे अच्छा कि हम कस्टमर को पहले ही कस्टमर को न्यू अडॉप्टर प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि उनके 1.5-2 साल इजीली उनके निकल जाता है, कि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, फाइनेंस भी होता है ये बता दो सर। जब सेकंड हैंड वैक्स तो ये कैश पे होता है, बट अगर किसी के पास क्रेडिट कार्ड है, देखो यूज कर रहा है, या डेबिट कार्ड की लिमिट है, जैसे कई बार क्या करती है कि अपने बैंक एलिजिबिलिटी रखते हैं डेबिट कार्ड पे, हम उस पे फाइनेंस करवा देते हैं प्रोवाइड सेकंड लैपटॉप पे। ठीक है, तो भैया फिर स्टार्ट कर दो। जैसे ये देख सकते हो कि लिनोवो की मेरी थिंकपैड सीरीज है, आप ये देखिए लैपटॉप, बिल्कुल ब्रांड न्यू लैपटॉप है, स्क्रैचलेस, बिल्कुल न्यू लुक में। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, तो इसका भी स्टार्ट प्राइस है? आपका i5 लैपटॉप है, i5 लैपटॉप है, जो आपके i5 लैपटॉप है, ये आपकी 15,000 प्लस से आपकी रेंज स्टार्ट होती है, अगर आप न्यू लैपटॉप परचेज करते हो। ठीक है, बट विद इन ये आपको जो प्राइस मिलेगा, ये आपको मिलेगा 15,000, 15,000 में आपको लैपटॉप मिलेगा। इसमें आपको i5 मिल जाएगा, 8 GB रैम, 256 GB इसमें आपको SSD मिल जाएगी। ठीक है, ये हार्ड डिस्क के साथ भी नहीं, SSD के साथ लैपटॉप्स हैं। ओके, प्लस आप चाहो तो अपग्रेड करवा सकते हो अपने हिसाब से, 512 GB अगर आपको लगता है कि आपको 512 GB स्टोरेज चाहिए, तो वो आपके तरफ से आप अपग्रेड करवाना चाहो तो करवा सकते हो। ठीक है, तो भैया आगे दिखा दो छोटे, जैसे आप मेरे पास मिनी लैपटॉप, ये HP में मिनी लैपटॉप है, प्लस ये आपका 360 लैपटॉप, कन्वर्टेबल लैपटॉप, आप इसको टैब की तरह भी यूज कर सकते हो, ये आपका कन्वर्टेबल लैपटॉप आ गया, 360 मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो भैया इसका प्राइस करेगा सर, ये जो आपको प्राइस पड़ेगा, ये आपको 18,000 का लैपटॉप पड़ेगा। ओके, ये i5 लैपटॉप है, अगर सेम अगर आपने ऐसा ही न्यू लैपटॉप लेना होगा, ये आपको 65 to 75 thousand की रेंज में न्यू लैपटॉप, इसका प्राइस में न्यू, हाँ न्यू। ओके, ठीक है, तो ये आपको 18,000 का यहाँ पे मिल जाएगा। हाँ, ठीक है, नाइस चॉइस है। ओके, और जैसे कि मतलब कि हमारे कई लैपटॉप के साथ मैंने जैसे बताया, हम आपको न्यू अडॉप्टर ही आपको। ठीक है, तो भैया और बता दो
यस सही। फिर और लैपटॉप्स आ गए, जैसे कि आपको चीपेस्ट में थोड़ी लो रेंज में चाहिए, ये आपके मतलब 15-16,000 की रेंज से स्टार्ट जाते हैं। थोड़ा और अच्छे सुपीरियर में अगर आपको जैसे लैपटॉप लेना है, सिल्वर लुक में है, i5 लैपटॉप है इसमें, जैसे कि मैं आपको ऑन करके बताता हूँ। ठीक है, इस तरह से ऑन हो चुका ये आपका, जैसे ऑन हो गया। ठीक है, ये आपका जैसे i5 लैपटॉप है, इसमें आप जैसे देख रहे हो इसके कीबोर्ड में बैकलिट कीबोर्ड है इसका, अगर आप ठीक है लाइट्स ठीक है कि अगर आप प्लस इसमें क्या है, आपको टच डिस्प्ले वाला लैपटॉप मिल जाएगा ये। ओके, टच डिस्प्ले, ये आपका टच डिस्प्ले वाला लैपटॉप है। ओके ओके ठीक है, आप चेक कर सकते हैं टच डिस्प्ले। तो भैया ये किस रेंज में रहेगा ये? सर आपका 20,000 का लैपटॉप है। सही, सो गाइस आप देख रहे हैं आपको 20,000 में टच लैपटॉप मिल रहा है, वो भी i5 प्रोसेसर 7th जनरेशन की। ये देखो इसमें आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर स्कैनर मिल जाएगा। सबसे बजट की आप कंडीशन देख सकते हो, फिनिशिंग देखो कितनी ब्यूटीफुल है। ठीक, ब्रांड न्यू लैपटॉप 20,000 में आपको ये सब इंपोर्टेड दिखा रहे हैं हम। ये आपको अगर जैसे अपन शायद ये आप देख सकते हैं, मेरे पास लिनोवो की थिंकपैड सीरीज पड़ी है। ओके, 360 लैपटॉप है ये भी। ओके जी, ये भी टच है भैया? हाँ जी, जैसे कि वो आपका 14 जो आपने HP में देखा था वो 14 इंच में था, ये आपको 12 इंच में था, ये आपका 14 इंच लैपटॉप है। ओके ओके, 360 ठीक है। सेम ऐसे ही मेरे पास डेल में लैटिट्यूड सीरीज पड़ी है, ये भी है भैया की लैटिट्यूड सीरीज है ये। लैटिट्यूड ये है वो, हाँ ये आपका 360 लैपटॉप है, प्लस ये आपका बैकलिट कीबोर्ड के साथ है, कंडीशन बिल्कुल ओके कंडीशन में है बिल्कुल। तो बेस का प्राइस क्या रहेगा सर? ये आपका जो इसका प्राइस है ये आपको मिल जाएगा 33,000 का। 33,000, तो भैया मार्केट रेट क्या इसका? न्यू की बात करोगे 85,000-90,000 की रेंज में है ये लैपटॉप। ओके, तो ये हम बात करेंगे आगे। डेल की बेसिक सीरीज आ गई इनकी लैटिट्यूड, जैसे कि जिसकी आप रेंज अगर आप किसकी 50,000-80,000 की रेंज में अगर कोई लैपटॉप लेना चाहे तो फिर ये उनके लिए अपने कस्टमर के लिए लैपटॉप सबसे बेस्ट रहेगा ना। हाँ चेक करो, ये हैवी i5 लैपटॉप है, i5 लैपटॉप है, जितनी भी सारी रेंज है सारी i5 की रेंज है, आपको जितने भी लैपटॉप है सारी, जैसे किसी को 14 इंच में चाहिए लैपटॉप, 14 ये आपका 14 इंच साइज आ गया। ठीक है, ठीक है। प्लस कई कहते हैं कि हमें थोड़ा नोटबुक साइज चाहिए, मतलब छोटा 12 इंच में लैपटॉप चाहिए ये ऐसे, या फिर 12 इंच में लैपटॉप आ गया। जैसे अगर कहीं कस्टमर रिक्वायरमेंट होती है कि हमें 15.6 के साथ चाहिए, फिर ये उनके लिए 15.6 है। और ये i7 है, ठीक है, ये आपका i7 लैपटॉप है। ठीक है, तो इसका प्राइस क्या रहेगा भैया? सर ये जो आपका i7 लैपटॉप है आपको 25,000 का है। 25,000 का i7 आपको मिल जाएगा, 25,000 का मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो अभी जैसे आप न्यू लैपटॉप्स की रेंज की बात करते हो, जैसे कि सबको पता है न्यू लैपटॉप्स अगर आप बेसिक लैपटॉप से स्टार्ट करते हो वो आपका 27,000-28,000 की रेंज से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ठीक है, बट वो आपका बेसिक प्रोसेसर है, जैसे i3 की हम बात करेंगे, i3 आपको 37-38 मतलब ऑल वेरियंट्स आर अवेलेबल अगर आप न्यू लैपटॉप्स में लेना चाहते हो, HP और डेल में आपको मिल जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे भैया के पास न्यू सीरीज भी लैपटॉप्स लगे हैं, तो ये आप चेक कर रहे हो। ठीक है, ये तो भैया अब एसेसरी की बात करेंगे उसके साथ, जैसे कई बार कस्टमर रिक्वायरमेंट अपने वायरलेस अगर आप ठीक है लेना चाहो या वायर्ड कीबोर्ड लेना चाहो तो वो सारी मेरे पास से आप देख सकते हैं, यहाँ पे रेंज अवेलेबल है कीबोर्ड्स की। HP तो स्टार्ट भी है, स्टार्ट रेंज क्या रहेगी इसकी सर? जो आपकी अपने आप जो स्टार्टिंग रेंज होती है, जैसे आप वाइड माउस की बात करो तो 300-350 का स्टार्ट जाता है। ओके, ठीक है, बट इसमें भी बहुत सारे वेरियंट्स आते हैं, जैसे HP बहुत सारी कंपनीज आती है। ठीक है, तो गाइस आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे आपको HP, Dell, Logitech, Irvine, Quantum, Zebronics, Eiger, कोई भी अगर आपको ब्रांड का लैपटॉप चाहिए, यहाँ तक कि Protronics का भी चाहिए, Protronics का भी आपको मिल जाएगा। ओके, ठीक है, उसके अलावा हमारे पास जैसे कई बार कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे आपको मिनी स्पीकर चाहिए, मतलब पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पीकर भी है भैया के पास। ठीक है, तो ये स्पीकर की सीरीज में स्पीकर, पोर्टेबल स्पीकर आपको अडॉप्ट, मतलब कि आप बैटरी बैकअप भी लेना चाहते हो सारे, मतलब ठीक है भैया। किसी ने अगर अपना खुद का वो इंस्टॉल करवाना है CPU, हाँ जी, तो ये आजकल चल रहा है ना भैया लाइट्स वाला है ना, ये आपका RGB लाइट के साथ आता है, RGB लाइट के साथ। ठीक है, ये आपका जैसे गेमिंग डेस्कटॉप अगर किसी को असेंबल करवाना है उनके लिए, ये एक्चुअली अभी यहाँ पे मैंने थोड़ा ही डेमो के लिए रखा है, जैसे हमारा जो दूसरा शोरूम है वहाँ पे आपको सारी वैरायटीज मिल जाएगी। ओके, ठीक है, तो भैया के पास इस समय लैपटॉप्स लगे सारे इम्पोर्टेड लैपटॉप्स हैं, तो आप चेक करो, आपको जैसे मैंने दिखा दिया, भैया ने रेट्स भी बता दिए, तो भैया के पास एसेसरी भी है, कोई लेना चाहे वो भी ले सकता है, नेगोशिएबल प्राइस रहेंगे। तो भैया का नंबर नीचे फ्लैश कर दूंगा वीडियो में, को कॉल कर लेना किसी भी टाइम। तो ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नई वीडियो में। ओके बाय।